राजस्थान में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर लगा बरसों का बैन अब हटा दिया है। सीपी जोशी जो आरसीआई के अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों से जो सब काम हुआ है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जोशी जी, किस तरह की दिक्कतें आई अब बैन हट गया है? दिक्कतें तो आई कि आरसीआई को मान्यता के लिए बीसीसीआई ने कंडीशन रख रखी थी। ललित मोदी जी के खिलाफ बीसीसीआई ने कोई एक्शन लिया था और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करेगी। अनफॉर्चुनेटली लंबे समय तक वो काम नहीं हो सका और हमने वो कंडीशन थी उनको फुलफिल किया। कोई डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ हमने कार्रवाई की और जो उनका कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अनुसार आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का काम करना था, वो काम भी पूरा किया हमने। तो आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन को सब सुप्रीम कोर्ट के कंप्लेंट किया और बीसीसीआई की कंडीशन जो मान्यता की थी उसको फुलफिल किया, इस कारण बीसीसीआई ने हमें मान्यता दी। अब जिस तरह से अगर बैन हट जाएगा तो चुनाव भी होंगे, क्या प्रक्रिया है, कब तक पूरी हो पाएंगे सर? बीसीसीआई का शेड्यूल दे रखा है 12 सितंबर तक आपको जो अपना संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अनुसार कंप्लेंट करना है, चुनाव अधिकारी को नियुक्त करना है और इलेक्शन के शेड्यूल को डिक्लेयर करना है। तो हम 12 तारीख के पहले ये करके उनको सूचना कर देंगे और 28 सितंबर के पहले एसोसिएशन के चुनाव संबोधित करने और 28 सितंबर को हमें सूचना करना है कि बीसीसीआई में राजस्थान को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो अक्टूबर में जो चुनाव होंगे बीसीसीआई का, उसमें राजस्थान फिर भाग ले सकेगा। तो ये थे आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी, जिन्होंने कहा कि जल्दी चुनाव होंगे, नया गठन होगा, राजस्थान में क्रिकेट को नया आयाम मिलेगा, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी क्रिकेट खेलने का और देखने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ संजय वर्मा, R9 TV जयपुर।